नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ त्रिमूल का 48 घंटे का धरना शुरू। मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, सांसद माला राय और महिला तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने गांधी मूर्ति कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। उत्सव के दौरान डीजे पर कड़ी नजर रहेगी पर्यावरण विभाग की, पुलिस के साथ हुई बैठक। आज संवाददाता सम्मेलन में क्या कुछ कहा मंत्री डॉक्टर मानस भुइया ने। नागरिक देर का दलमत निर्विशेषे कटिंग अक्रॉस द कास्ट क्रीड एंड रिलीजियन एक हाथ जोड़ो कर अपील जे अपनारा सचेतन हुए मानुष के कष्ट देवार मत कोनो काज करबेन ना, परिवेश के दूषित करार मत कोनो काज करबेन ना, कर्मेंद्रियों के कष्ट देवार मत कोनो काज करबेन ना, हृदय यंत्रणा बाढ़ाबेन ना एवं श्वास प्रश्वास नीते कष्ट हबे एरकम गैस क्रैकार फाटिए पड़बेन ना। तार जोन्नो आमादेर डिपार्टमेंटेर संगे आमरा बसेछि, तारा অলরেডি উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছে। দে উইল কমিউনিকেট উইথ দি বেঙ্গল পুলিশ এন্ড ক্যালকাটা পুলিশ। बागुईहाटी से लापता हुए दो छात्रों के शव वसीरहाट से बरामद किए गए हैं। मृतकों के नाम अतनु दे और अभिषेक नस्कर है। मालूम हो कि दोनों छात्र पिछले महीने 22 तारीख से लापता था। इस मामले में 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग परिवार वालों से की गई थी। परिजनों ने इसकी जानकारी बागुईहाटी थाने में देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बीती रात पुलिस ने जानकारी दी कि अतनु दे नाम के लापता छात्र का शव वसीरहाट के मोग्र में मिला है। मृतक के परिवार व स्थानीय लोगों ने पुलिस की भूमिका को लेकर रोष जताया। उन्होंने दावा किया है कि अगर पुलिस ने उचित कदम उठाया होता तो दोनों छात्रों को बचा लिया जाता। 1 কোটি টাকা দাবি করেছিল, এবার এও মেসেজ দিয়েছিল আমাদের আমার শালির ছেলেদের বলে ওরাও ই করেছিল যে এত টাকা দিতে পারবে না, 43 লাখ টাকা দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাড়ি ঘর যাই হোক বিক্রি করে দেবে, তোমরা দাও। ওরা বলেছিল যে না, টাকাটা দিলে আমরা 5 ঘন্টা পরে দেবে। হ্যাঁ, এরকম তো হয় না। তা যাই হোক, তা কোনখানে দেবো কোথায় দেবো ওরা তো মুখ দিয়ে কোনো কথা বলছে না, মেসেজে কিছু বলেনি যে কোন সমস্ত কিছু আমাদের সব কিছু সব যাওয়া হচ্ছে। এক নজর জেলো সে জুড়ি খবরো পর। चितरंजन में रेलवे के जमीन पर अवैध रूप से रह रहे कब्जाधारियों पर रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इसके खिलाफ स्थानीय दुकानदारों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए रांची मोड़ के समीप सड़क जाम कर दिया। सड़क को जाम कर प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस तरह से बेदखल न किया जाए। चितरंजन रेल शहर मध्य आज के 70-80 बसर धरे बसबास करछे, एरकम रेल शहर जखन थेके तैरी होयेछे অনেক কন্ট্রাক্টর লেবার এবং দিনমজুর যারা চিত্রঞ্জনে চাকরি করেছে বা রিটায়ার হয়ে গেছে, তারা অনেকে দোকানপাট করে, অনেকে রেল শহরের মধ্যেই আজকে 60-70 বছর ধরে ছোট ছোট ঝুপড়ি করে ঘরবাড়ি করে তারা বসবাস করছে। কিছুদিন ধরেই আমাদের এই রেল শহরে ভাঙাভাঙি কন্টিনিউ চলে আসছে। এর প্রতিবাদে আমাদের এখানে বিধায়ক জিএমএর সাথে কথা বলে এর আগে দুবারে এটাকে ভাঙাভাঙি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছে, সেটাতে রেল রাজি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুদিন ধরে একবারে ডোজার করতে যাচ্ছে, সমস্ত দোকানপাট ভেঙে দিচ্ছে, আপনার ঘর বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, গরিব মানুষগুলো কোথায় যাবে? এটাকে দিন মজুর। আব রুখ করতে দেশ আর দুনিয়া সে জুড়ি খবরো কি ওর। कोरोना से जंग में बड़ी खुशखबरी, भारत की पहली नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। धर्म से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। बुधवार का दिन व्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन बुद्ध देव के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान विधि पूर्वक बुधवार का व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब रुख करते हैं मनोरंजन से जुड़ी खबरों की ओर।
ट्रैफिक पुलिस के अवतार में दिखे सामंथा रणवीर सिंह की लगाई क्लास, वीडियो वायरल। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।